फाइनली आफ्टर 2.5 साल बाद भूटान में आए। यहाँ का पार्क है छोटा सा। गुड मॉर्निंग सबको, होप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग होने वाला है भूटान के ऊपर। सो काफ़ी समय हो गया था कि देखा जाए तो 2.5 साल से भूटान खुला नहीं था, तो फाइनली अब भूटान खुल चुका है और हम आज जाने वाले हैं देखने के लिए कि अब क्या रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं। नहीं आपको पता नहीं होगा कि मेरा बॉर्न एंड ब्रॉटअप जो है वो भूटान में हुआ है। मैं पैदा ही भूटान में हुआ हूँ, बचपन मेरा वहीं पर गुजरा है। उसके बाद अभी हम इंडिया शिफ्ट हो गए थे। सो लॉकडाउन के ड्यूरिंग में काफ़ी समय भूटान, अब जैसे आप लोगों को पता ही कि 2.5 साल से भूटान बंद था। काफ़ी सारे चेंजेस आए हुए हैं, हमने सुना है काफ़ी न्यू रूल्स वगैरह आए हुए हैं। अब फाइनली भूटान ओपन हो गया है आफ्टर मेनी रूल्स के साथ में। तो मैं आप लोग को जगह भी दिखाऊंगा जहां मैं भूटान में पैदा हुआ था, बाकी कहां मेरा बचपन वगैरह गुजरा है थोड़ा सा, अगर हो सका तो मैं वो भी ज़रूर दिखाऊँगा। बाकी यहाँ की ब्यूटी दिखाऊँगा जो इतने जिसकी लोग तारीफ करते हैं, लोगों को पता है कि लाइक भूटान इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री। सो वो हम जरूर दिखाएंगे आपको। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। तो अभी निकलते हैं भूटान के ओर। क्वाइट एक्साइटेड है आज, वो भी नहीं सोया हुआ है, वो भी आराम से खेलने में लगी हुई है। आप भी घूमने जाओगे? फाइनली निकल चुके हैं, रास्ते में हैं। अभी एंट्री करते हुए दिखाएंगे आपको कि कैसा रहेगा। चाची को देख रहे बेटू। लेकिन सारे लोग गाड़ी में नहीं जा सकते, सिर्फ एक ही इंसान गाड़ी लेके जा सकता है। बादल उतर के जाना पड़ेगा, पैदल उतर के एंट्री के होते हुए आपके पास है ना, आपको अपना वोटर आई डी वगैरह दिखाना पड़ेगा एंट्री के। तो अगर आप बाइक पे हैं या गाड़ी पे हैं तो सिर्फ एक ही आदमी एक बार में जा सकता है, लेकिन सारी पब्लिक जितनी भी है वो साथ में, चाहे फैमिलीज हो तो वो सारे नहीं जा सकते। सारी गाड़ी अंदर जाने के लिए खड़ी हुई है एंट्री के लिए, पास बनाने के लिए। एंड हम थोड़ा पैदल चल के जा रहे हैं, जो कि हम पहले जाके खड़े हो जाएं पार्क, क्योंकि अंदर काफ़ी लंबी लाइन लगी होगी। तो ये रहा गेट अंदर जाने के लिए। एंड वो रहा एग्जिट। हाँ, ओ शर्ट यहीं पे लाइन लगाओ। सो हम फाइनली अंदर घुस चुके हैं, अब हम जा रहे हैं इमिग्रेशन पे। सो इतना ब्यूटीफुल बनाया हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस इज़ अ पार्क वे जहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन के साथ हमें एंट्री करनी पड़ी है। एंड अब एंट्री में, अभी इमिग्रेशन में जाके वहाँ पे मैं शो करके वहाँ से एंट्री का इंडिकेशंस मिलेंगे, तो अगेन यहाँ पे लाइन पे लगना पड़ेगा। दिस द एंट्री गेट। Inside, and this is the immigration area where we got a lot of counters so that you don't have to be on a queue for too long. And from after here, that's the entry gate to Bhutan. So you can see the crowd outside and inside. Special privilege mila hai. But the great thing is that hum andar ja rahe hain, hame line mein khada nahi hona pad raha hai kahin pe bhi. So that's really great. Ki they really understand ki haan ki baby ke sath it difficult to stand on a line. So you can go inside. So we're gonna show our QR code, the passes which was they were asked ki aap online kar sakte hain, and then we can go in. All we need to do is just scan the QR code, show your voter ID. But always ensure ki aap apna original ID zarur leke aa rahe hain, kyunki your original document, especially the voter card, is the main document that is required to get an entry inside the Bhutan. फाइनली आफ्टर 2.5 साल बाद भूटान में।
I'll just show you the buildings यहाँ पे मैं actually पैदा हुआ था. So Dinga, that's the one. I was born in this building. चलो right. तो कार की एंट्रीज वगैरह यहाँ से होती हैं, आना जाना वगैरह जो होगा. और वो वॉकिंग एंट्री वे था. कैसा लग रहा है डेंगू? अभी जैसे पहले तो क्या था कि ना शादी को ऐसा को मौका नहीं मिला, इतने दिनों बाद अब जाके लाइक साल बाद बुरा में पूछने का मौका मिला. तो अब जा रहे हैं ये गाड़ी पे एंड वहाँ से फिर निकलेंगे थोड़ी सी घूम निकले जगहों पे. सो यही है वहाँ जहाँ मेरा बचपन बीता, यही नहीं रास्तों में बोलूँ, गलियों तो नहीं बोल सकता. यहाँ पे पार्क है वो जो एरिया आपको दिख रहा है एंड यहाँ से ऊपर जाने के लिए एरिया है जहाँ से आप पहाड़ों के लिए जाएंगे. आसिया की वो आसिया के ऊपर एक्स खड़ी है, आशीष तुम कब आओगे? इंतजार में. वो पोस्टर बना दिया उसने अपना यहाँ. बड़े में एक और बढ़िया चीज हुआ है. क्यों आप ऐसे करते हो? अब इसको ये भी हमारे साथ घूमने निकले हुए भूटान आ रही कहां से करा रहे हैं. So you won't believe कितना प्राइस है पेट्रोल का. It's just कितना लगा? 76.30. आग लगा दी आग. हमने उड़ेंगे फुल करा लिए. And ये बहुत बढ़िया रहता था हमारे लिए पहले भी, ये तेल आराम से यहाँ पे सस्ते में मिल जाता है. So it is very good कि आराम से अपने टैंकी यहाँ फुल कराया. अब यही हम इंडिया में कराते हैं तो कम से कम लाइक 6 ज़्यादा ज़्यादा एटलीस्ट. तो हम जा रहे हैं ऊपर में कुंभा की तरफ, ओल्ड मॉनेस्ट्री जो ऊपर की तरफ. तो हम बचपन में बहुत जाया करते थे, तो अभी आफ्टर 2.5 साल के बाद दोबारा एक बार जा रहे हैं. देखते हैं कि वहाँ पे भी कितने चेंजेस वगैरह आए हैं, कितना कुछ बनता है वहाँ पे भी. मैं तो लगा था कि न्यू बॉर्न के लिए आईडी नहीं चाहिए होगी, पर न्यू बॉर्न का भी आपको आईडी लेके जाना है. तो आप उनके बर्थ सर्टिफिकेट, वो भी आपको जेरोक्स वगैरह कोई भी नहीं, मेक श्योर कि आप एडल्ट्स का वोटर कार्ड एंड बॉर्न बेबी हो चाहे छोटा बच्चा किसी का भी, तो उनके बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेके जाएँ. और उसके बाद ऑनलाइन QR कोड जरूर बना लें, जिसके चक्कर में आपको और ना टाइम आपका बचेगा, आपको ज़्यादा अंदर वगैरह घुसने में लाइन में नहीं खड़े रहना पड़ेगा. दैट इज़ ऑल द थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर. नहीं बिल्कुल करोगे हमारा. आ गए हम भाई, कुछ खाने के लिए रुके हुए हैं, उसके बाद जाते हैं घूमने के लिए थोड़ा. नहाए भी उठ चुकी है बेटो, अब भी भूटान देख रहे हो कि आंखें खोल खोल के थोड़ा थोड़ा. हम कहाँ हैं, हम कहाँ आ गए हैं? आशिक तो बड़ा मच्छर घूम रहे किट्टू के पास आ रहा है. क्या है कोका? किट्टू क्या होता है कोका? आशिक चाची करेंगे. इट्स लाइक इट्स अ कोरियन So one of the best noodles. Kitu machhar bhi bhi aa rahe hain. Machhar bhi bhi aa rahe hain. So jo gumba tha, jo monastery tha, wahan pe abhi pehle to aap free mein ja sakte the, ghoom sakte the, par abhi inhone charges wagera laga diye. So above 18 ke liye 1000 rupees and 18 se age se agar niche hain to then 500. To hum nikal chuke hain dusre jagah ke liye. Abhi aapko dikhate hain dusra areas wagera.
तो चुकी है, अब हम निकल रहे हैं, थोड़ा सा सोच रहे हैं कहीं पे जाके थोड़ा सा और खा लिया जाए, क्योंकि ड्विंकल को थोड़ा सा खाने का मन था। हम जा रहे हैं थोड़ा सा डिनर करने के लिए, चलो पेट पूजा की जाए। हंस के पीछे जा रहे हो आप तो, किच्चू क्या खाओगे, क्या खाओगे बताओ, क्या खाओगे बेटा? ओह किसी उम्र का गिर गया, ये ले मेरा खेलना नहीं, मेरा कुछ भी आता नहीं, आकाश मेरा कुछ भी आता नहीं। आकाश भी पूरे दिन थक चुका है, तो फाइनली घूम के हम आ चुके हैं अब डिनर करने के लिए। अब डिनर करके यहाँ से हम फिर निकलेंगे कर के लिए। इस टाइम निकलने का फ़ायदा ये रहेगा कि जो लंबी सी क्यूज़ वगैरह रहती है तो हमें उतनी लाइन वगैरह नहीं लगनी पड़ेगी, एंड इजीली हम जा सकते हैं, नहीं तो दिन के टाइम में बड़ा लंबा लाइन लगना पड़ता। तो नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको मिलते हैं, प्लीज़ यू नो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आप लोग को कैसा लगा व्लॉग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।